मुंबई में बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के बीच 23वें आईटी अवार्ड का आगाज धूमधाम के साथ हुआ। इस अवार्ड नाइट में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी कलाकारों ने भी अपनी एंट्री से सबको हैरान कर दिया। टीवी जगत के तमाम सेलेब्स इस इवेंट में रेड कार्पेट पर अपने हुस्न का जलवा दिखाते हुए नजर आए। इस इवेंट में कई कलाकारों ने डांस करके फैंस को इम्प्रेस किया, लेकिन हर किसी की नजरें इस इवेंट में मिलने वाले अवार्ड पर थी। फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी जानना चाहते थे कि साल 2023 का बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड किसके हाथ में होता है। सोशल मीडिया के मुताबिक इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड हर्षद चोपड़ा को ही मिला है। दरअसल हर्षद चोपड़ा ने अवार्ड नाइट के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक्टर के पास एक नहीं बल्कि तीन ट्रॉफी दिखी। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि हर्षद अपने चेहरे पर हाथ रखकर नीचे की ओर देखकर स्माइल कर रहे हैं। इस फोटो में आईटी की तीन ट्रॉफी भी दिख रही हैं। आपको बता दें कि हर्षद चोपड़ा ने बीते 2 सालों तक ये अवार्ड अपने नाम किया, लेकिन एक्टर ने पहली बार पोस्ट कर फैंस को धन्यवाद कहा। इस बार का अवार्ड एक्टर के लिए काफी ज्यादा खास है, तभी तो एक्टर ने इस तस्वीर के जरिए बेस्ट एक्टर के लिए मिली अपनी 3 ट्रॉफी को दिखाया है। आपको बता दें कि हर्षद चोपड़ा का नाम लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग हर्षद को काफी ज्यादा बधाइयां दे रहे हैं। इसके अलावा एक्टर के इस पोस्ट पर भी कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। एक फैन ने कमेंट कर लिखा, बहुत बहुत बधाई। दूसरे ने लिखा, अमित भन्नी बिरला मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इसी तरह एक और फैन ने लिखा कि हैट्रिक के लिए बधाई, आप इसके हकदार थे।